उस तो वृंदावन कुंभ सज गया है, सवर गया है और अनुपम छटा बिखेर रहा है। चारों तरफ लाइटों से नहाया हुआ वृंदावन आज उसकी छटा देखते ही बनती है। देश और दुनिया में फैल रही है वृंदावन में अनुपम छटा कुंभ की, कुंभ 2021। पहले लोग कुंभ के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब 12 साल बाद कुंभ लगा है, इस कुंभ की अनुपम छटा देखते ही बनती है। इससे पहले भी वृंदावन में कुंभ लगता था लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, संत होने के कारण उन्होंने मर्म समझा, उन्होंने संतों की बात समझी और विहंगम कुंभ यमुना जी के घाट के किनारे लगाकर बसा दिया। आज प्रयागराज की तरह वृंदावन का कुंभ लग रहा है, इसके दृश्य को देखते ही बनता है। वृंदावन वही जहां पर कन्हैया का बचपन बीता, जहां पर कन्हैया ने माटी में लेटकर, गोधूली में लेटकर, जहां पर कन्हैया ने बालू में लेटकर स्नेह की बारिश की, यहीं पर कन्हैया ने बाल कीड़ा किया, यहीं पे कन्हैया ने अपना बचपन व्यतीत किया, यहीं पे कन्हैया ने रास रचाया। जब महारास रचाया तो सारे सारे देवी और देवता दौड़ते चले आए कन्हैया को देखने के लिए, कन्हैया के महारास को देखने के लिए। कन्हैया ने यहीं पे ग्वाल बाल के साथ, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा किया, सखियों के साथ यानी राधा की सखियों के साथ महाराज का की अनुपम छटा बिखेरी, और इसीलिए वृंदावन अनुपम छटा के साथ आज तैयार हो चुका है। प्रेम की बारिश हर तरफ हो रही है, कन्हैया ने ऐसा अटूट प्रेम और बंधन यहाँ के वृंदावन वासियों से जोड़ा कि हमेशा हमेशा के लिए नाता यहाँ से जुड़ गया। और जब कन्हैया यहाँ से निकले, यहाँ से वृंदावन को छोड़ा, तो पूरा का पूरा वृंदावन शांत हो गया, पूरा का पूरा वृंदावन स्थिर होगा। यमुना जी का जल जो है थम गया, स्थिर हो गया, पेड़ पौधे पशु पक्षी मानो जैसे निर्जीव हो गए, उनका कन्हैया उनसे अलग हो रहा था और यही आंसुओं के सैलाब के साथ पूरा वृंदावन डूब गया था। आज कुंभ की छटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर उनका कन्हैया यहाँ लौट आया है, इनका कन्हैया फिर यहाँ पर बस गया है। चारों तरफ रोशनी से, प्रकाश से ये कुंभ नहा चुका है। तो आइए आप सब भी कुंभ की ओर चलिए, कुंभ के इस स्नेह की बारिश में आप सभी सराबोर हो जाइए। मैं चैनल के माध्यम से लगातार आपको नए नए दृश्य, आपको नए नए व्यू दिखाता जा रहा हूँ। आज रात 12 बजे इसलिए मैं आप सबके साथ में हूँ कि रात के सीन को मैंने नहीं दिखाया था। रात में यमुना जी का श्रृंगार देखते ही बनता है, जैसे लग रहा है कि श्रृंगार किए हुए यमुना माँ सबको बुला रही हैं। तो आइए आस्था के सैलाब में आप सभी डूबिए। आइए एक अद्भुत नजारे को दिखाने के लिए फिर आप सबको लेके चल रहा हूँ। ये देखिए वृंदावन की छटा, ये देखिए वृंदावन की अनुपम छटा, ये वृंदावन की अनुपम छटा इस बार कुंभ में तैयार हो चुकी है। और आप सब देख रहे होंगे लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं जहाँ आया हूँ ये स्थल है देवरावा बाबा घाट। देवरावा बाबा घाट से वृंदावन से आप उस पार चलेंगे तो देवरावा बाबा का आश्रम मिलेगा, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। इस घाट को इतना बेहतरीन सजाया गया है, इतने अच्छे से सजाया गया है, इतने बेहतरीन श्रृंगार किया गया है कि एक पल एक टक आप निहारते रहेंगे। चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, ये लकड़ी का पुल बना हुआ है। थोड़ा सा आपको आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, वो इसलिए क्योंकि ये पुल की आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये देखिए जैसे लग रहा है कि आप स्विट्जरलैंड में आ गए हैं, जैसे लग रहा है आप विदेश में आ गए, लेकिन ये भारत की धरती है, ये वृंदावन है। वृंदावन जहाँ प्रेम की बारिश होती है, जहाँ आनंद की बारिश होती है, और जहाँ धरती पर लौटते हुए लोग कन्हैया 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 कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आज यही कन्हैया का घर सज गया है, आज यही कन्हैया का द्वार सज गया है। यहीं पर कन्हैया ने अपना बचपन व्यतीत किया, यहीं पर कन्हैया ने यमुना जी के किनारे इतना बेहतरीन सीन आपको देखने को कभी नहीं मिला होगा। इस बार कुंभ में खास तैयारी की गई है और ये तैयारी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, सभी को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ कुंभ की भी अद्भुत छटा है, कुंभ भी अद्भुत है। तो ये वृंदावन कुंभ आप सबको दिख रहा होगा, रात के 12 बजे हैं, लेकिन इस दृश्य को देखिए, आपको मेले जैसा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा।
वृंदावन का कुंभ शुरू हो गया है और वृंदावन की छटा को दिखाने के लिए मैं आप सबको ले आया हूँ वृंदावन। लगातार वीडियो के माध्यम से मैं वृंदावन के कुंभ की छटा दिखा रहा हूँ, यहाँ की भव्यता को दिखा रहा हूँ, यहाँ की दिव्यता को दिखा रहा हूँ। पहली बार एहसास हो रहा है लोगों को कि वृंदावन में भी कुंभ लगता है। दरअसल कुंभ से पहले की बैठक वृंदावन में होती है। जब भी हरिद्वार में कुंभ लगता है 12 वर्ष में, उससे पहले वृंदावन में कुंभ लगता है, कुंभ की बैठक होती है और यहाँ पर श्रद्धा संत बैठते हैं और बैठने के बाद 1 महीने के बाद फिर हरिद्वार की ओर जाते हैं। उससे पहले वृंदावन कुंभ के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार वृंदावन कुंभ की छटा देखते ही बनती है। चारों तरफ आप देख रहे हैं रोशनी से वृंदावन कुंभ नहा चुका है। यहाँ की भव्यता और दिव्यता अलौकिक है। ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। चारों तरफ लाइटों से आकर्षक लाइटों से सजाया गया है और आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग वृंदावन की झांकियां आपको देखने को मिल रही हैं। कहीं पर राधा कृष्ण हैं, कहीं पर बंसी बजाते हुए कृष्ण भगवान हैं, तो कहीं पर आप देखेंगे नाग नथैया भगवान श्री कृष्ण का दृश्य दिखाया गया है। एक एक दृश्य को आप अगर देखेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद के सागर में आप डूब जाएंगे। ऐसा वृंदावन का कुंभ इस बार है, ऐसे वृंदावन की छटा आपको देखने को मिलेगी। इस तरह का वृंदावन कुंभ सजाया गया है। हरिद्वार कुंभ की चारों तरफ चर्चा है, हरिद्वार कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कुंभ से पहले की बैठक वृंदावन जो छोटा कुंभ है उसके बारे में कम लोग जान रहे हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सबको दिखा रहा हूँ वृंदावन कुंभ की विहंगम छटा। तो आइए वृंदावन कुंभ में क्या क्या चीज़ें खास हैं, क्या क्या चीज़ें आप सबको देखने को मिलेंगी। आप कहीं पर भी बैठे हैं देश और दुनिया में, कहीं पर भी मैं चैनल के माध्यम से आप सबको वृंदावन कुंभ की खासियत बताऊंगा। ये विशाल एक बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं, इस बड़े से गेट पे देखिए राधा कृष्ण के अलग अलग दृश्य दिए गए हैं, अलग अलग रूप स्वरूप दिया गया है। कहीं भगवान श्री कृष्ण राधा और रानी के साथ बंसी बजा रहे हैं, तो कहीं पर वो नाग नथैया बने हुए हैं, नाग के ऊपर चढ़कर उन्होंने नाग को नाचने का काम किया है, कालिया नाग का मान मर्दन किया। तो कहीं पर ग्वाल बाल के साथ जो है मटकी फोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं बाल स्वरूप है तो कहीं पर राधा रानी के साथ झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक दृश्य में देखिए मनोहारी दृश्य है, जहाँ पर बाल स्वरूप कन्हैया का कान पकड़ के माता यशोदा बोल रही हैं कि तूने माटी क्यों खाया कन्हैया, माटी तूने क्यों खाया, और बाल स्वरूप कन्हैया माँ को विशाल स्वरूप दिखा रहे हैं, पूरे संसार का अलौकिक दर्शन दिखा रहे हैं। वहीं सीन के पास अगर आपकी नज़र जा रही होगी, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो पूतना को मारते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, पूतना का मान मर्दन कर रहे हैं कि किस तरह से छल से कपट से पूतना भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप को मारने के लिए आई थी। दूसरी तरफ आप अगर एक सीन देख रहे होंगे तो यहाँ ब्रज की होली यानी राधा रानी पर फुहार, होली की रंगों की फुहार कन्हैया कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वनवास में हैं। और दूसरी तरफ यहाँ आप देख रहे होंगे कि बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब जेल में कारागार में पैदा हुए थे, तो कारागार से वासुदेव उन्हें यमुना पार ले जाकर टोकरी में ले जा रहे हैं, और कैसे शेषनाग ने बारिश से बचाने के लिए अपनी छतरी कर दी है। वृंदावन कुंभ की यह अनुपम छटा पहली बार आप सबको देखने को मिल रही है, पहली बार आप इतनी अनुपम छटा देख रहे हैं। यहाँ आप देखिए जगत गुरु श्री श्री श्यामानंद प्रभु नगर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर सेवा कुंज वृंदावन नगर बसाया गया है, और यही वृंदावन जो बसाया गया है ये नगर, यहाँ पर आप अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। तो आइए आपको एक छटा और दिखा रहा हूँ, इस छटा को देखेंगे तो आपकी आंखें आनंदित हो जाएंगी, आपका मन भाव विभोर हो जाएगा, और फिर आप भी कहेंगे कि चलो वृंदावन कुंभ स्नान करते हैं, चलो वृंदावन कुंभ का आनंद उठाते हैं। देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पर अपनी पिचकारी से होली की बौछार कर रहे हैं। अगर वृंदावन में आए हैं तो यहाँ की होली तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए एक
और दृश्य जो आपको बहुत ज़्यादा आनंदित करेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर फिर वासुदेव महाराज जो है कन्हैया को लेकर यमुना जी के पार जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण जो मटकी से माखन चुराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर गोपिका जो है वो भगवान श्री कृष्ण को रोकने का काम कर रही। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति आपको आनंदित कर देगी, आनंदित करने वाली है। यहाँ का हर एक सीन जो है वो आंखों में समा जाता है, यहाँ का हर एक दृश्य जो है वो आप सबको आनंदित करने वाला है। वृंदावन कुंभ इतना विहंगम होगा, इतना आनंदित करने वाला होगा, शायद ही कभी आप लोगों ने सोचा होगा। तो आइए वृंदावन कुंभ की एक और छटा आप सबको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वृंदावन कुंभ की ये छटा कन, यहाँ पर देखिए कि कन्हैया गैया मैया के साथ हैं, बंसी बजा रहे हैं और बंसी का आनंद ले रहे हैं। वृंदावन की झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है इस बार इस कुंभ में, और यही कुंभ इसीलिए देश और दुनिया में सभी को आश्चर्य में डाल रहा है कि वृंदावन कुंभ भी इतना अच्छा हो सकता है। तो आइए आप भी कहीं बैठे हैं, चाहे बिहार में बैठे हैं, चाहे राजस्थान में बैठे हैं, आसाम में, मणिपुर में, इम्फाल में, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो एक महीने ये कुंभ चलेगा, आप तैयारी करिए और आइए वृंदावन कुंभ का आनंद उठाने के लिए, वृंदावन कुंभ की विहंगम छटा देखने के लिए। मैं लगातार आप सबको वृंदावन कुंभ की अनुपम चीज़ें दिखाता रहूँगा, अलौकिक चीज़ें आप सबको दिखाता रहूँगा। तो आइए ये फिर दूसरी झांकी आप सबको दिखा रहे हैं वृंदावन कुंभ की, आपको अनुपम झांकी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग अलौकिक झांकियाँ देखने को आपको मौका मिलेगा, मनमोहक झांकी जिसकी सुंदरता को देखकर, जिसके अनुपम दृश्य को देखकर आप सभी आनंदित हो जाएंगे। इस बार वृंदावन कुंभ अलौकिक छटा बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, इन छटा को आप देखिए। यहाँ पर देखिए ऋषि मुनियों के साथ जो है कन्हैया जो है दंडवती लगाए हैं, ये अनुपम सीन, अनुपम दृश्य आप सबको आनंदित करेगा। ये झांकी भव्य और दिव्यता प्रदर्शित कर रही है। तरह से आप लगातार अपना प्रेम और स्नेह लगातार बनाए हुए हैं, उसी तरह से आप सभी प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, सभी को राधे राधे।